ओम शांति। तो आज भट्ठी का चौथा दिन है और इसके प्रातःकालीन सत्र में ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ एक फरिश्ता हमारे बीच में पहुंचा है, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सभी जानते हैं परमात्मा ने अपने विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए इस धरती पर अवतरण 1936 में किया और उस परमात्मा के कार्य में राइट हैंड बनने के लिए हमारी दीदी का लौकिक जन्म 1935 में हुआ। बचपन से ही दीन दुखियों की सेवा करने का संकल्प था, इसलिए मेडिकल की स्टडीज़ की और जैसे ही मेडिकल की स्टडीज़ पूरी ही होने वाली थी बाबा मिल गए और फिर लौकिक और अलौकिक दोनों प्रैक्टिस आरंभ की। बाबा की गाइडेंस से 1965 में क्लिनिक खोला और 1966 में सेवा केंद्र खोला और सबको मेडिटेशन के द्वारा लाभ पहुंचाया। और उसके बाद तो बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए चुना। 1971 से 1978 तक बाबा ने आपको विदेश की धरनी पर अलग अलग देशों में सेवा अर्थ भेजा, यूके, लंदन, अफ्रीका, मॉरिशस, न्यूजीलैंड आदि आदि स्थानों पर आप गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, सब जगह सेवाएं स्थापन की। और 78 में आपने डिसीज़न लिया कि सेवाओं का बेस ऑस्ट्रेलिया रहेगा। तो 78 से लेकर 2008 तक करीब 30 वर्ष वहाँ पर बेस बनाकर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में अपने सेवाओं का विस्तार किया। एशिया पैसिफिक रीजन में करीब 17-18 देशों में अपने सेवा केंद्र खोले। और फिर तो बाबा ने आपको 2009 में ज्ञान सरोवर अकेडमी की भी जिम्मेवारी दी कि जिसके भी आप डायरेक्टर हैं। तो एक कंधे पर विदेश की धरनी की जिम्मेवारी, ऑस्ट्रल एशिया कहें या एशिया पैसिफिक रीजन की आप डायरेक्टर हैं, और दूसरे कंधे पर ज्ञान सरोवर अकेडमी की जिम्मेवारी। और जैसे जैसे हमारी दादियाँ अव्यक्त होती जा रही हैं तो उनकी भी जिम्मेवारियाँ आपके कंधों पे आती जा रही हैं। आप वर्तमान में संस्था के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, आप आईटी विंग के भी चेयरपर्सन हैं और गुप्त रूप से बहुत सारी जिम्मेवारियाँ आपके कंधों पर हैं। लेकिन बावजूद इसके जो मुख्य गुण आप में से हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो है एकदम हल्कापन, एकदम निश्चिंतपन। न सिर्फ इतना, लेकिन आपके उपस्थिति मात्र से हम वो निर्मल पवित्र वाइब्रेशंस अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। आपकी इसी निर्मलता के कारण से बाबा ने आपको बहुत सुंदर टाइटल से श्रृंगारा और वो टाइटल है निर्मल आश्रम। तो बहुत ही सरल स्वभावी है, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है सरल एवं निर्विकारी स्वभाव। तो ऐसे सरल एवं निर्विकारी स्वभाव की आप प्रैक्टिकल जीवंत उदाहरण है। तो उनके अपने जीवन से वो हमें शेयर करेंगे कि कैसे हम भी अपने स्वभाव को सरल और निर्विकारी बनाएं, ताकि बाबा के साथ जो हमारी याद है वो सरल याद बन जाए, बाबा के साथ की जो हमारी शिकायतें हैं वो सब खत्म हो जाए। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी। ओम शांति।
सबके पास टेलीफोन है ना, पहले क्या मैसेज मिलता है, मास्क पहनो। मास्क नहीं है क्या, जेब में रखने के लिए है या कमरे में रखने के लिए है? हाँ, मास्क कहाँ है? तो आज का टॉपिक है सरलता और निर्विकार। सरल व्यक्ति वो है जो अंदर बाहर एक है। जो कपटी लोग होते हैं ना, खलू कपटी, अंदर एक बाहर दूसरा। सरल मन वचन कर्म सब एक, उसके मन में बनावट नहीं, छल कपट नहीं, कुटिलता नहीं। नेचुरली जो ऐसे साफ दिल है उस पर सभी विश्वास करेंगे और उससे चिंता नहीं करेंगे। नहीं तो चिंता होती है ना, ये बोलते तो ये क्या पता नहीं मन में क्या होगा। और जो खुद कपटी होते हैं ना, वो समझते सब ऐसे ही होंगे। अच्छा, उनको कोई भी कोई करेक्शन देता है या तो ना खुद नाराज़ होता है ना वो किसी को, यदि कुछ सजेशन करेक्शन देते हैं तो कोई नाराज़ होते हैं, क्योंकि जानते हैं इनका मन साफ है। और उनका कभी एम नहीं होता है कि किसी से धोखा करें या किसी को गिराएं, परंतु सीधा बोलने वाले हैं, इसलिए कह दिया। तो इसलिए सबसे स्नेह जुटा रखते हैं, तो वो खुद भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरे भी उनसे संतुष्ट रहते हैं। और उनका मन साफ है, इस कारण दिव्य गुणों की धारणा जल्दी हो जाती है। और अपनी मस्ती में मस्त रहता है। दूसरे को यदि देखता भी है कि कोई ठीक काम नहीं करता है, तो वो अपने मन चित्त में नहीं रखता है, कहता है जैसे ज्ञानी है ना, जो कर्म जैसा कर्म करेंगे वैसा वो पाएंगे। और वो सच्चा है, सत्य शास्त्र से चलता है, इसलिए कहते हैं ना, सच्चे दिल से साहब राजी, शिव बाबा भी उनसे राजी हैं। तो बाबा की भी उनको बहुत मदद मिलती है। उनके मन में किसी के प्रति दुर्भावना या कपटना नहीं हो, और पिछली बातों को वो फुल स्टॉप दे देता है, इसलिए संतुष्ट और सुखी रहता है। सब उनको आशीर्वाद देते हैं,
प्यार करते हैं, विश्वास रखते हैं और वो सबको मदद करता है। उसकी चाहना है सबको हम सुख देवें। उनसे पवित्रता के वाइब्रेशन सबको आते हैं। वाणी में मधुरता, जो चालाक कपटी होते हैं ना, वो वैसे चालाक होते हैं परंतु स्वार्थ का ही बात सोचते हैं। सरल लोग हैं, निस्वार्थ और सबको मदद करना चाहता है। यदि वो अपने में कुछ कमी देखता है या गुण देखता है तो साफ साफ सीनियर्स को अपनी अवस्था सुनाकर कुछ न कुछ युक्तियाँ सीख लेता है ताकि अवगुण निकल जाए। दूसरों का, किसी का दोष या अवगुण मन में धारण नहीं करना। तब सरल बन सकते हैं, क्योंकि दूसरों के अवगुण सोचने से अपना ही मन मैला हो जाता है। यदि बुद्धि में रहे कि हम सब एक परिवार के हैं, तो परिवार के साथ क्यों चालाकी करनी चाहिए? साफ दिल रहना चाहिए ना। हम जितने सरल बनेंगे, भोलानाथ शिव बाबा भी हमारे से राजी रहेगा, आशीर्वाद देगा, मदद करेगा। और जितने हम औरों से सरल या सीधा होकर चलेंगे, उतना और लोग भी हमारे से सीधा होकर चलेंगे। वे भी अपने मन की साफ साफ बात हमें बता देंगे। तो सरल चित्त है वो सच्चा है, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा जरूर। और कहा गया है, सच तो बीठो नाच, वो खुशी से नाचता रहेगा, उसको किसी का भय नहीं होगा। वो सदा सुखी, संतुष्ट, निर्भय, अडोल रहेगा। तो हमें छल, कपट,
दो सृष्टि को त्याग करना है, तब सरल चित बन जाएंगे। तो सरलता के साथ साथ हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, क्योंकि लक्ष्य है देवता बनना। तो देवता बनने के लिए सबसे पहले हमें देहभान छोड़ना है, क्योंकि देहभान सर्व विकारों की जड़ है। देहभान वाले का लक्षण क्या है? देहभान वाले है ना, वो खुद पर दया चाहता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे क्लास करने नहीं देता है, कराने नहीं देता है, और कुछ बच्चे हैं, माँ बाप यदि माँ दूसरों को प्यार करती है कहेंगे माँ तो उसको प्यार करती है, मुझे नहीं प्यार करती है। तो जैसे कि माता मास्क नहीं लाई है, तो समझो वो कहेंगे हमारी माँ तो है ना, हमारे भाई को प्यार करती है, उसको ज़्यादा देती है, हमको नहीं देती है। तो ये जैसे कि अपने ऊपर ही जैसे दया लाने के लिए सबको बताते हैं। और जो देहभान वाले हैं ना, नर्वस हो जाते हैं, भाषण करना है, VIP से मिलना है, बड़ों से सीनियर से मिलना है, तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। बाह्यमुखी मेन बात है, बाह्यमुखी देहभान वाले कहाँ भी जाएंगे देखेंगे हाँ डेकोरेशन कैसा है, कारपेट कैसा है, फर्नीचर कैसा है, क्या साड़ी पहनी है, क्या ब्लाउज पहना है, क्या गहने पहने हैं, कैसी पर्स है, कैसे चप्पल है, आदि आदि। तो बाहर की चीज़ें देखते रहेंगे। और कई तो हैं ऐसे नाच नखरे करेंगे जो सबको आकर्षित करें। नाम मान शान की चाहना है, और देह को श्रृंगारने के लिए समय शक्ति धन खर्च करते हैं। रोज नया नया कपड़े खरीदना, नए नए आभूषण, कोई भी नई चीज़ बाज़ार में देखी तो समझते हैं हम खरीद लें। चिंता करते हैं और समाज को फॉलो करना पड़ता है उसको, जैसे सारी दुनिया चलती है ऐसे ही चलना है। और आजकल तो पतली कमर के फैशन है, तो जो मोटे होते हैं जवान लोग तो आप देखेंगे कि डाइटिंग करेंगे,
एक्सरसाइज करेंगे, रोज अपना मेजरमेंट करेंगे, वजन करेंगे, इतने तक की ऑपरेशन भी करेंगे, क्योंकि आजकल तो लाइपोसक्शन, उसमें से निकाल देते हैं फैट, चर्बी पेट से, तो वो ऑपरेशन कराएंगे, या कईयों को नाक ऐसा चाहिए, नाक कान ऐसा चाहिए, लिप्स ऐसा चाहिए, आँख ऐसी चाहिए, तो उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी आजकल करते हैं, तो उसमें भी अपना समय शक्ति धन लगाते हैं। दूसरा विकार है ईगो, अहंकार, जो अहंकारी है ना, वो क्या है, अपने को बहुत बड़ा समझता है, तो दूसरे को जैसे कि कुछ नहीं, उसका अपमान जल्दी करते हैं, कहेंगे तुम तो बुद्ध हो, इतनी बारी बोला है फिर भी समझता नहीं है, तो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता, और बाहर से एक अंदर दूसरा, बाहर से हंसता रहता है अंदर में रोता रहता है, या नर्वस होता है। हमारे पास एक भाई था, भाषण करता था, घड़ी घड़ी हंसता था, अंत में मैंने कहा तुम इतना हंसता क्यों था, तो कहा मैं नर्वस था। और मैं करता रहेगा, मैं बड़े कुल का हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे ये पोजीशन है, हाँ आदि आदि अपनेपन का अहम और नाजुक स्वभाव, जल्दी अपसेट हो जाता है, और बॉसी अपनी ऑथोरिटी से बात करता है, और औरों की क्रिटिसाइज करता, टीका करता है, ये तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं किया, ये इसका निर्णय अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो दूसरों की ग्लानी करता रहता है, और है सबसे बड़ा विकार काम विकार, पर उनका सूक्ष्म रूप है आकर्षण, व्यक्ति, वैभव, कार, मोटर बाइक, मकान देखकर आकर्षण होता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। प्रभावित होना, चाहे लौकिक टैलेंट है चाहे अलौकिक, इनका क्लास तो बहुत अच्छा है, ये योग कराते हैं तो हम तो बहुत साक्षात्कार होता है, तो इसीलिए से प्रभावित हो जाते हैं, भूल जाते हैं ये तो बाबा का ज्ञान है, बाबा कराने वाला है ना। फिर इच्छा होती है, कामना कि हमारे पास भी ये होना चाहिए, मेरे भाई के पास इतना बड़ा मकान है, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, हमारे पार्टनर के पास ऐसी गाड़ी है, हमारे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW होना चाहिए,
फैमिलियरिटी, सारा दिन उस व्यक्ति के साथ गपशप, अच्छी बात हुई तो भी उनको सुनाएंगे, बुरी बात हुई तो भी उसको सुनाएंगे। वैसे बाबा हमारा फ्रेंड होना चाहिए ना, पर बाबा के बजाय व्यक्ति को फ्रेंड बनाकर सारा दिन लेन देन करते रहते हैं। नाम रूप का प्यार, सारा दिन उसका नाम लेते रहेंगे, चाहे बच्चा है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, सारा दिन उसकी प्रशंसा करते रहेंगे। तो ये है, ऐसा है, वैसा है, और नेचुरली जिसका नाम लेंगे उसका रूप भी तो सामने आएगा। तो इसलिए हमको देखना है कि हमारा फ्रेंड एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, जो भी है सुख दुख की बात उसको सुनानी है, सबको नहीं सुनानी है। माताएं मास कहाँ है, नए नए आते हैं, जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ भी जगह है, माताएं दूर दूर बैठो, यहाँ जगह है, यहाँ भी बहुत जगह है, पीछे से आकर जहाँ तहाँ नहीं बैठ जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ आगे आ जाओ, माता यहाँ भी बैठ सकती हो, दो चार भाई ही है, फिर है मोह की रग। मोह की रग ऐसी है जल्दी टूटती नहीं, मेरा मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे संबंधी, तो एक दो के ऊपर आधारित हो जाते हैं। और फिर क्या होता, जिसमें मोह होता है ना, तो एक्सपेक्ट करते हैं मेरा बच्चा है, ये पढ़ना है, ये करना है, वहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इसके साथ रहना है, उसके साथ नहीं रहना। तो जैसे मालिक बन जाते हैं, और अथॉरिटी हिल चलाते हैं, उसके साथ उसको ज़्यादा फेवर करते हैं। जैसे चार बच्चा होगा, माँ का एक में मोह होगा ना, पहले उसके लिए खाना निकालेंगे, पहले उसके लिए अच्छी चीज़ निकालेंगे, और सेंटर पर स्टूडेंट के में मोह होगा, मुरली पहले उसको देंगे, टोली खिलाएंगे, समाचार सुनाएंगे, पर्सनल कनेक्शन रखेंगे। और नेचुरली है मोह होगा तो यदि अलग होंगे तो दुख होगा। बच्चे को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, खर्चा करके, पर रोते रहते हैं एयरपोर्ट पर, देखो तो रोना देखने में आएगा, अलग होते हैं। और एक माँ तो कहे मेरा बच्चा अमेरिकन गया, उसको जलेबी बहुत अच्छी लगती है,
अब उसको कौन जलेबी खिलाएगा अमेरिका में, मैं भी जलेबी नहीं खाती अभी। और मर जाता है तो बात ही मत पूछो, सालों तक रोते रहते हैं। खास वर्षी आती है या खास जब भोग लगाते हैं रोते रहेंगे, उनकी बात करेंगे और रोएंगे। हमारे पास एक माता थी, उसका पति 11 वर्ष पहले मर गया था, पर कपड़े रख दिए थे। तो क्या होता था कि कपट खोलती थी और रोती थी। लोभ, ये लोग आते हैं देरी से और टीचर होके मांस कहाँ है। टीचर तो सबसे बुरी है, नियम को कोई पालन नहीं करना, आना भी देरी से 11 बजे। टीचर तो जैसे पास हो गई है ना, पढ़ाई की जरूरत नहीं है ना। अभी लोभ, लोभी है कभी संतुष्ट नहीं रहता। लोभी को बहुत इच्छाएं रहती है, असंतुष्ट लोभी स्वार्थी भी होता है। और लोभी को चाहिए चाहिए चाहिए, अच्छी चीज होंगी तो डबल खाना खाएंगे, और अच्छी नहीं लगती है तो कहेंगे आज तो भूख नहीं है कम खाएंगे। और लोभी है मनुष्य होते हैं, और लोभी के कबट देखो तो फुल होंगे, पुराने भी रख देंगे नई भी खरीदते रहेंगे, भंडारा भरपूर। तो जितना याद रहेगा कि बाबा हमें अविनाशी खजाना देता है, उसकी वैल्यू रहेगी तो विनाशी चीज हमें आकर्षित नहीं करेंगे, उसका संग्रह नहीं करेंगे। फिर है गुस्सा, एंगर, क्रोध। और मैं समझती हूँ क्रोध तो सब में है, बहुत कम है जिन्होंने क्रोध जीता होगा। और क्रोध का सूक्ष्म रूप है चिड़चिड़ाप, कारण है धीरज नहीं रहती, सहनशीलता नहीं, रूहानी प्यार नहीं। तो फोर्सफुल होते हैं, बोलते भी है फोर्स से, और कई बार टेबल पर भी। और फिर आर्ग्यूमेंट बात करते हैं, और कोई कोई है वो क्या करते हैं, क्रोध भल बोलते नहीं है पर आँखों में आ जाता है ना क्रोध, उसका चेहरा देखकर मालूम पड़ जाता है इसका क्रोध है, लाल लाल मुंह हो जाता है और किसी से आंखें नहीं मिलाएं, जिससे क्रोध है ना
उसको सामने नहीं देखेंगे, या वो इधर से आएगा तो वो उधर से चला जाएगा, सामने आएंगे तो हम शांति हलो करना पड़े ना, इसलिए जैसे देखा ही नहीं है ऐसे करेंगे। तो पापा कहते हैं सहनशीलता बढ़ाओ, धैर्य रखो और रूहानी प्यार रखो। देखो माँ का प्यार होगा ना बच्चे के लिए, बच्चा चंचल होगा, पड़ोसी के बच्चे के साथ झगड़ा करेगा तो क्या कहेगा, तुम्हारे बच्चे ने कुछ किया होगा तभी तो मेरे बच्चे ने किया होगा ना, तो उसको बचाने की कोशिश करती है। फिर है आलसी, आलस्य, जो आलस्य वाले हैं ना वो बहाने क्या बताएंगे, मैं तो थक गया हूँ, किसी और को कॉल कहो ना काम कर लेंगा, तो उसमें उमंग उल्लास नहीं है तभी तो आलस्य है। जिसको उमंग उल्लास है ना काम करता रहेगा थकेगा नहीं, कितना भी भारी होगा काम। जैसे देखो वो नाविक होते हैं ना, नैया चलाते हैं लासी, गीत गाते गाते हैयाओ करके काम चलाते हैं। वो आराम पसंद होते हैं आलसी लोग, बस आराम करने दो ठीक है कोई ना कोई कर लेगा, तो जिम्मेवारी नहीं उठाते। तो जितना हमारे समय शक्ति धन का हमारे पास मूल्य होगा, या हमारा समय कितना मूल्यवान है, अभी हम सेवा करेंगे हमारा भाग्य बनेगा। चलो वो नहीं करता है मैंने कर लिया मेरा भाग्य बनेगा ना, तो उमंग उत्साह रखना है तो उड़ते रहेंगे। अलबेलापन, केयरलेस, जो अलबेले होते हैं ना वो ठीक रीति से ऑर्गेनाइज नहीं करते अपने आप को, उनको समय शक्ति धन की वैल्यू नहीं, फालतू खर्च करते हैं। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प बोल कर्म होगा, और फालतू खर्च करेंगे। बाबा कहते सादगी हो, चलो 6 ड्रेस काफी है, परंतु ये लोग क्या करते हैं, अच्छी चीज देखी खरीद ली, जरूरत है या नहीं खरीद ली, और फिर भूल जाते हैं, अलबेले भूल जाते हैं, और फिर बहानेबाजी, मैंने तो सोचा था वो आएंगे कर लेंगे,
फिर है ईर्ष्या, सम्मान की कमी है तो ईर्ष्या आ जाती। और आजकल लोग है एक दो से भेंट करते हैं, उसको सम्मान मिला मुझे नहीं मिला, उसको प्यार मिला मुझे नहीं मिला, उसको सेवा मिली मुझे नहीं मिली। तो बाबा कहते हैं भेंट करना है तो मम्मा बाबा से करो, व्यक्तियों से नहीं करो। रेस करो, रेस मत करो। और दसवां विकार है वैर भाव, घृणा भाव। तो आजकल तो क्या है, वैर के कारण हिंसक भाव होता है। किसी को भी मार देने में हिचकते नहीं, मार देना बहुत सहज हो जाता है। हत्या भी करके ऐसा दिखाते हैं जैसे उसने आत्महत्या की या एक्सीडेंट हो गया। तो जहां वैर भाव है उसको गिराने की कोशिश करेंगे, कोई उसकी महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ तुमको क्या मालूम, उसमें तो ये है वो है, ये है ऐसा है वैसा है। और इंडिया में तो कायदा अपने हाथ में ले लेते हैं, कहाँ एक्सीडेंट हो गया तो गांव वाले इकट्ठे होकर वो ड्राइवर को ही मार देंगे, पुलिस तक कंप्लेन लेकर नहीं जाएंगे। और उसके लिए फिर उल्टी सुलटी बातें दुनिया में सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे प्यार करो, कोई क्या ऐसा भी है सब आपके भाई भाई हैं। तो जितनी रूहानियत आ जाएंगी, भाई भाई की दृष्टि हो जाएंगी, तो कई विकार छूट जाएंगे, गुस्सा छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा, वैर भाव छूट जाएगा। तो इसलिए जितना आत्मा अभिमानी बनते जाएंगे, गुण धारण करना सहज हो जाएगा, या हमारी जो नेचुरल अवस्था है उस अवस्था में हम रह सकेंगे। तो हमें ये देखना है कि ये ब्राह्मण जीवन हमारा सरल भी रहे, सच्चाई भी रहे, सादगी भी रहे, सफाई भी रहे, मन की तन की दोनों सफाई रहे। मन की भी सफाई रहे तो तन की भी सफाई रहे तो घर की भी सफाई रहे, क्योंकि जितना वाइब्रेशन घर में ठीक होगा तो क्या है, आने वाले भी शांति का अनुभव करेंगे। तो कहते हैं ना,
charity begins at home. तो हमें घर वालों को ज्ञान तो देना है, पर ज्ञान के पहले अपनी धारणा से उनको खुश रखना है। हम ओम शांति कहें और गुस्सा करें तो घर वाले क्या कहेंगे, ये ब्रह्म कुमारी ऐसा सिखलाती है तुमको, तो नाम किसका बदनाम होगा, संस्था का, बाबा का नाम बदनाम होगा ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी धारणा का अपने परिवार मित्र संबंधी पर रहेगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का जीवन दुनियावी लोगों से बिल्कुल निराला है। हमारा खान पान, रहना, उठना, बैठना सब अलग। तो पहले घर वालों को मनाना है कि क्यों हम कर रहे हैं, नहीं तो कहेंगे चलो रोज सवेरे सफ़ेद साड़ी पहनकर चल पड़िए, बच्चों का ध्यान नहीं रखते, खाना ठीक नहीं पकाती है, खाना स्वादिष्ट नहीं है, एक तो प्याज लहसुन नहीं डालती है, तो खाना भी स्वादिष्ट बनाना पड़े। हमारी विदेश की माताएं, उन्होंने ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ बनाना शुरू कर दी जो बाल बच्चे घर वाले मीट मांगते नहीं। इंडिया में तो फिर भी सहज है, सिर्फ प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है ज़्यादातर। राजस्थान में तो वेजिटेरियन होंगे ना सब, साउथ में कोई कोई होंगे नॉन वेजिटेरियन, कोई कोई होते हैं, परंतु वहाँ तो सब नॉन वेजिटेरियन। तो माताएं इतना अच्छा खाना पकाना सीख गई, भाई भी इतना अच्छा खाना पकाना सीख गए, क्योंकि हमारे तो कई भाई भी सेंटर चलाते हैं, गुलाब जामुन जलेबी बना लेते हैं। ऐसे नहीं यहाँ वाला सिर्फ वो मिक्स पाउडर ले जाके बना लिया, ये तो आप लोग यहाँ अभी बहुत बाबा ने सहज कर दिया, मिक्स पाउडर मिल गया, सिर्फ गोला बना लिया, पानी डाल कर ये दूध डाल के। उन दिनों में जब ये लोग ज्ञान में आए 70 में, तब कुछ नहीं था। यहाँ आते थे मधुबन किचन में जाए, तुली किचन में पहुँच जाते थे और सीख लिया जलेबी बनाना, गुलाब जामुन बनाना, अभी तो केक बनाना, अभी तो ये कुक बुक बहुत मिल रही है। तो एक एक किचन में वहाँ सेंटर पर दो चार कुक बुक होंगे, कुक बुक खोली, चीज़ें इकट्ठी करी, बना लिया, केक बनाया, बिस्किट्स बनाए। तो क्या है कि ऐसा खाना अच्छा बनाओ, क्योंकि अदरक टमाटर ऐसे डाल के अच्छा बनाएंगे तो प्याज लहसुन की कमी नहीं होगी। और सिंधी दादियाँ तो आटे की सब्जी बनाती थी, इतनी अच्छी बनाती थी आटे की सब्जी, जो इन्हों को मीट की ही भाषा आती थी। तो बम्बई में
पुष्पचान दादी आदि थे तो क्या करते थे, उसके लौकिक वाले क्या करते थे, कुछ प्रसंग होता था तो कहते थे दादी आपका मौन थाल बहुत अच्छा बनता है, बनाओ। तो मौन थाल है, कड़ी चावल है, बूंदी है, ये सब बना के दे देती थे लौकिक को, लौकिक खुश हो जाते थे। तो क्या है कि हमारा चाल चलन ऐसा हो जो लौकिक खुश रहे और हमारा नियम भी हम पालन करें। नियम पालन करने के लिए तकलीफ ना हो। तो इस रीति से बाबा हमें युक्तियुक्त, योगयुक्त, रासयुक्त जीवन जीना सिखाते हैं। तो देखना है सच्चाई भी हो, सरलता भी हो, तो पवित्रता भी हो, ये हमारा मुख्य लक्षण होना चाहिए। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। बहुत सुंदर सुना हमने। दिव्य गुणों के गुलदस्तों से ही जीवन महक जाता है। तो दीदी के जीवन का सरलता का गुण न सिर्फ हम देख रहे हैं लेकिन उनको उन्होंने शेयर भी किया, तो अवश्य ही हम उन युक्तियों से लाभ लेंगे। दीदी को हम एक